स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर फर्शी मदर एंड बेबीज पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो न्यू प्रोडक्ट के साथ में। जैसे कि आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है बेबी हक की न्यू टू बेबी कैरी कॉट कम कार सीट। बेसिकली मैं कार सीट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो बेबी हक या किसी भी ब्रांड के आप कार सीट लेते हैं तो कार सीट बेसिकली एक टाइप्स होता है। जैसे कि हम बेबी को कहीं भी ले जाना होता है या ट्रैवलिंग के दौरान कहीं भी लेकर जाते हैं तो इजी टू वे में एंड जर्क ना लगे बेबी को, हार्मफुल ना हो, उस सब के लिए बेसिकली ये बेबी हक की तीन टाइप से कार सीट आती हैं ऑल ओवर सभी ब्रांड में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा रहा हूँ मैं आपको बेबी हक की जो कार सीट होती हैं वो थ्री टाइप से होती हैं। फर्स्ट होता है बेसिकली स्टेज वन कैरी कॉट कम कार सीट। ये कैरी कॉट कम कार सीट है, ये जो रहता है ये स्टेज वन की कार सीट रहती है। ये आपकी कैनोपी आ जाती है। फर्स्ट ओवरऑल में ये आपका रॉड रहती है जो कैरी कॉट बन जाएगा। ऐसे ये कैरी कॉट बन जाता है, इजीली आप इसे मूव करके ऐसे बेबी को ले जा सकते हैं। स्टोरेज के टाइम में ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। इसमें थ्री पॉइंट लेबल होते हैं जो कि लेबल टू लेबल आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेबल यहाँ से पॉइंट देख रहे हैं आपको, ये रेड कलर का बटन होता है, दिस साइड भी रेड कलर का बटन होता है। आप इजिली इसको ऐसे बैक में कर सकते हैं तो ये आपका रॉकर पोजीशन बन जाता है। ऐसे ये आपकी रॉकर पोजीशन रहेगी जिससे कि बेबी को अगर हम इसमें सुला देते हैं तो रिक्लाइन पोजीशन रहती है। रिक्लाइन पोजीशन इसमें पूरे में आप देखेंगे तो ये फ्लैट नहीं है, ना ही ज़्यादा स्लीप है, ना ही ज़्यादा उठा हुआ है। इस पोजीशन को ही रिक्लाइन पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन रहती है रिक्लाइन पोजीशन में क्या रहता है कि जैसे हम बेबी को न्यूबॉर्न बेबी को गोदी में कैरी करते हैं थोड़ा सा सर ऊपर स्टेज में रहता है, बैक डाउन में रहता है, वो वाली पोजीशन है। उससे क्या रहता है बेबी के बैक बोन में जर्क लगने का डर नहीं रहता है, वो सेफ पोजीशन होती है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल में रॉकर बन जाएगा ऐसे। अगर आप सेकंड कन्वर्टेबल करना चाहें तो सेकंड में ये आपकी फीडिंग चेयर बन जाती है। थर्ड पॉइंट जैसे आप भेजेंगे तो लॉक हो जाएगा ऐसे। ये आपकी फीडिंग के लिए बन जाता है क्योंकि बच्चे का क्या रहता है फीडिंग के लिए बैक नीचे होगा सर ऊपर की साइड रहेगा तो ये फीडिंग की टाइप में बन जाएगा। इजिली आप बेबी को फीड करा सकते हैं। और जब अगर बाय द वे बेबी सो जाता है तो आप इसे कैनोपी को फुल करके और यहाँ से इजिली ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है रॉकिंग बन जाता है तो रॉकिंग क्या रहेगा इजिली ऐसे रहेगा। जब आपको बेबी को कहीं कैरी करके ले जाना हो तो इजिली यहाँ से आप हैंडल ग्रिप्स करके कैरी करके इजिली ले जा सकते हैं। ऐसे हम कैरी कॉट के टाइप में बन जाते हैं। यदि हम इसे कार सीट में लगाना चाहें जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ में और कार सीट में स्ट्रेच करना चाहें तो कैमरा पास लीजिए, ऐसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये टाइप होता है कार सीट में लगाने के लिए। इसका जो यूज होता है बेसिकली ये जीरो से लेकर 13 kg तक यूज कर सकते हैं, अराउंड ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर तक आपका यूज होता है। जब कार में लगता है तो मैं भी बता देता हूँ कैसे लगता है। ये आपकी रियर फेसिंग में नहीं लगेगा, बैक फेसिंग में लगेगा। बेबी का जो सपोज डेट ये बेबी का जो फेस रहता है वो कार की बाहर की साइड रहता है। बेबी का फेस कार की सीट की साइड रहता है। जो कार सीट की बेल्ट आती है सपोज डेट अगर यहाँ से कार सीट की बेल्ट आएगा तो ऐसे निकलेगा और फर्स्ट ऑफ लॉक इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद यहाँ से निकलकर आप इजिली यहाँ पर असेंबल कर सकते हैं और यहाँ से बेल्ट करके यहाँ पर लॉक कर देंगे तो ये आपका फिक्स हो जाता है और ना ही कहीं हिलता है, ऐसे स्टेबल हो जाता है। ये कैरी कॉट कम कार सीट होता है एंड इसका यूज़ हम स्टॉलर में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे स्टॉलर में फिक्स करना चाहें तो ये इजिली स्टॉलर में ही फिक्स हो जाता है, वो भी दिखा देता हूँ कैसे। ये हमारे पास में स्टॉलर है, इस स्टॉलर में ये कार सीट लग भी जाता है, दिखा देता हूँ कैसे लगेगी। ये स्टॉलर रहेगा, इस स्टॉलर के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है। ये स्टॉलर रहता है। अब ये कार सीट ऐसे रहेगी, ऐसे हमें कार सीट लेने के लिए सबसे पहले इन दोनों लॉक से हम बैक में ऐसे कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, प्लस इसको हम जब फिक्स करेंगे कार में लगाने के लिए तो ये दो होल रहते हैं जो कि स्ट्रे में यहाँ फंस जाएंगे। प्लस ऐसे हम इसे रख कर ईजिली ऐसे रख सकते हैं और यहाँ से डाउन कर देंगे दोनों साइड से। ये लॉक रहते हैं जो दोनों साइड से दिखा आपको पता चल रहा होगा, ऐसे अंदर की साइड चला जाता है। ये ऐसे फिक्स हो जाता है। अब ईजिली आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। अगर आपका स्टॉलर रियर मदर फिशिंग में भी नहीं है तो इजिली आप बेबी को ऐसे सुला सकते हैं और यहाँ पर ये ऐसे फिक्स होने के बाद में आप इजिली टू कैरी कर सकते हैं, ऐसे स्टॉलर को चला सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवमेंट के साथ में चलता है और आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। जब आपको निकालना हो तो बेबी को सबसे पहले पिक कर लेना है यहाँ से, फिर आपको निकालने के लिए ये वाला जो लॉक रहता है जिसे अंदर की तरफ पुश करके फिर ऐसे साइड से बाहर निकालना होता है क्योंकि ये वाले लॉक यहाँ पर लॉक हो जाते हैं, जॉइंट्स हो जाते हैं।
ये थी आपको फर्स्ट वीडियो कैरिकॉर्ड कम कार सीट के बारे में। आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में जो दूंगा वो कन्वर्टेबल कार सीट रहेगी। वो कार सीट कैसी रहती है, वो स्टेज टू की कार सीट आती है जो कि 0 मंथ से लेकर 6 ईयर तक यूज होती है, वो ये कार सीट रहती है। थर्ड जो कार सीट के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये रहती है, ये स्टेज थ्री की कार सीट रहती है जिसे हम बूस्टर कार सीट कहते हैं, जो कि 2 ईयर्स आपका 2 ईयर से लेकर 12 ईयर तक यूज होती है। ये इसके भी अपने अलग फीचर्स हैं एंड अलग यूजेस हैं। सेम एज वेल ये है जो स्टेज टू की कार सीट है, इसकी भी अलग फंक्शन है और अलग ही यूजेस हैं। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूंगा मैं आपको स्टेज टू की कन्वर्टेबल कार सीट के बारे में। काफ़ी अच्छे यूजेस हैं। आपको कैसी लगी ये आप वीडियो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है या कुछ क्वेरी है पूछने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक यू।